प्यार लफ्जों में इस जंगली और खतरनाक जानवरों की खाल पहनना जरूरी थी। क्या मतलब खतरनाक? ये असली चमड़े का नहीं बना हुआ। मेरे डिजाइन में कभी भी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचता। जुल्म के खिलाफ हूँ मैं। ओके ठीक है, लेकिन वो ये बात नहीं कह रहे, ये उस मशकूक आदमी की बात कर रहे हैं। चले जल्दी, कहीं टैक्सी चली ना जाए। टैक्सी। अब हाय टैक्सी। आप कहाँ जाएंगे सर? किसी बार में ले चलो। बात सुने, यहाँ अगर कोई महंगा बार हो तो चलें। जितना भी महंगा हो मुझे कोई मसला नहीं। हमें पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, बस हमारा सफर महफूज होना चाहिए। समझ रहे हो ना? 2-3 मिनट का ही रास्ता है सर, ज्यादा दूर नहीं है, वो तो यहीं पे करीब है। साहब ज्यादा टैक्सी इस्तेमाल नहीं करते। बात यह है कि इनको कार्स पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है ने कार? हेली इस्तेमाल करते हैं ना। हेली? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, उसी में ही जाते, लेकिन मौसम खराब था ना। क्या ये आदमी गांव से आया है जो इसे हेली का नहीं पता? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है साहब। अच्छा ठीक है, नए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दूं मैं? हाँ थोड़ा जल्दी। अपनी इन्वेस्टमेंट बताएं साहब। गारंटी तो होगी ना? मतलब गारंटी है ना? यकीनन साहब गारंटी होगी। तो 200 इन्वेस्ट कर दो इन पर। ना ने ना, 200 नहीं, चलो 333 कर लो ना बेबी। बिल्कुल बेगम जान, हमने कभी आपका कहा टाला है? आपने बोल दिया 333 तो फिर 333, तो अब 333 कर दो। जैसा आप चाहे। 333 क्या? हजार? नहीं, मेरा मतलब है कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे 333? कारोबार में साहब बहुत बड़े एक्सचेंज चैंपियन है। वाह, एक्सचेंज चैंपियन? जी बिल्कुल। अगर मैं छोटे पैमाने पर कुछ इन्वेस्टमेंट करूं तो कर सकता हूँ? पता नहीं मुझे। क्या बातें हो रही हैं? कहीं आप दोनों हमारे बारे में तो बातें नहीं कर रहे? जी हाँ, इस शख्स ने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, देखा तो पहचान गया है। इसका मतलब है कि आपके कारोबार में कम इन्वेस्टमेंट करके ये आपका पार्टनर बनना चाहता है, ताकि ये प्रॉफिट हासिल कर सके आपके साथ काम करके। भाईजान मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको मैगजीन्स में देखा है कई दफा। क्या मुझे कहां? अच्छा तो तुम उस मैगजीन की बात कर रहे हो जिसमें ट्रंप के साथ मेरी तस्वीर है मीटिंग के बाद। अरे मेरी ऐसी मीटिंग्स तो बहुत सारी होती रहती हैं, मैं सबको मौका देता हूँ चाहे कोई भी हो। यार वो अच्छा मौका नहीं था बेबी। सही कहा। वो मौका ट्रंप ने खो दिया, क्योंकि मैंने उसे चांस दिया था बिजनेस का। वो मौका ट्रंप ने खो दिया। हमारे साथ तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, तुम भी बिजनेस कर सकते हो। जल्दी बुला लेना असली, हो सकता है 1-2 दिन में हम बाहर चले जाएं। जी बिल्कुल साहब। भाई आप तो बादशाह हैं, बादशाह। बादशाह 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 कुछ नहीं होता ब्रदर, बस आप ऐसा करें कि उस बिल्डिंग पर जाकर गाड़ी रोक दें, गेट पर। बस हमें यहीं उतरना है। ये आपकी कंपनी है ना भाई? ये कंपनी है? ये तो दुकान है मेरी। तुम तो कल आ रहे हो ना बात करने? हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, ठीक है कल मैं जरूर आऊंगा। चेंज रख लेना। बहुत शुक्रिया, बाय। बाय। कबूतर ने दाना चुग लिया है। हाय फाइव पार्टनर।
एंड द ऑस्कर गोज टू मी। मैं हॉलीवुड की जबरदस्त स्टार हूँ। वैसे वाकई स्टार तो आप बहुत जबरदस्त हैं। लड़की तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बिल्कुल प्रोफेशनल। लगता है तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना है। हाँ, अगर मैं कहूँ तो इससे भी बढ़कर। हाँ, तैयारी तो मैंने ही कराई थी। हाँ, तो मैं तैयारी के बगैर नहीं आई थी। इस एक्टिंग को करने के लिए मैंने बहुत रिहर्सल की थी। हाँ, तो आप दोनों के साथ मैं भी तो कामयाब हो गया हूँ, तो इस खुशी में आप दोनों का कुछ पीने का प्लान है क्या? क्या मतलब? अच्छा प्लान है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। थैंक यू। हम लोग तो जा रहे हैं, अगर आपने नहीं जाना तो कोई बात नहीं। क्यों, हम दोनों पार्टनर ही काफी हैं। वैसे मेरा कुछ और प्लान था, लेकिन रुको, आ गई मैं भी। वुहू, आ गई। क्या कहते हो, कहीं बाहर चलें? कहाँ जाना है? पता नहीं मुझे, लेकिन यहां सुकून नहीं मिलेगा मुझे। भला मैं इस तरह कैसे जीऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं यहां। ये क्या बात हुई? मैं पागल हो जाऊंगा और मेरा क्या होगा? चलो मेरा नहीं सोचो, हमारे बच्चों का क्या होगा? सोचता हूं। अरे, हम दोनों के जुड़वा बच्चे होंगे, उनसे क्या कहूंगी कि उनका बाप पागल है? चलो, क्या ही दूंगी मैं। तुम्हें याद है, तुम बिल्कुल पागल ही तो थे जब हम पहली दफा मिले थे। मेरा फोन डस्टबिन में फेंक दिया था और उस टैक्सी में यूं जम के बैठे थे जैसे तुम्हारी ही हो। वो टैक्सी मैंने बुक की थी। हाँ, ये तो है। सच बताना मुझे, उसी वक्त प्यार हो गया था ना मुझसे? फिर कब हुआ? साटे में। पार्टनर, ये सूप देना मुझे। हाँ, ये है ना, स्पाइसी सूप की तो बात ही अलग होती है। ये बहुत टेस्टी है। उफ, लगता है बहुत स्पेशल तरीके से बनाई है। यहाँ की सबसे स्पेशल डिश है। सच कह रही हो? वाकई में? फिर तो मैं भी चखूंगा। यहाँ क्यों नहीं, चखाओ 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 इसे। ये तुम्हें भी अच्छा लगा? हाँ हाँ यार, मजेदार है ये बहुत ही ज्यादा। गुड। सूप पीने के बाद क्यों ना हम सिनेमा चलकर कोई फिल्म देखें? तुम क्या कहती हो पार्टनर? सूप का सिनेमा के साथ क्या कनेक्शन है? सिनेमा की बात कर रहा हूं। हमारा कोडवर्ड याद नहीं है क्या तुम्हें? हाँ, तुम टॉयलेट जा रही हो। मैं नहीं जाऊंगी टॉयलेट बिला वजह। टॉयलेट मत जाओ, लेकिन यहां से जाओ। हाँ, अच्छा, आती हूं मैं थोड़ी देर में टॉयलेट से। अरे, ये मुझे क्यों देख रहा है बार बार? मैं तो फिदा ही हो गई इस पर। इसकी ये अदाएं, मुझे कुछ हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी। टूल मैडम, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, यकीनन दोबारा प्रपोज करेगा ये। इस बार इसे क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बात यह है, कल मैंने आपसे कुछ कहा था, प्रपोज किया था। हाँ हाँ, तो आप वो सब फिलहाल अभी भूल जाएं। हाँ, ओके, वो किस लिए?
मुझे लगता है कि मैंने जल्दबाजी कर दी, थोड़ा जज्बात में बह गया था मैं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, और जब मैंने इस बारे में सोचा तो अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सब गलत है। गलत लगा तुम्हें तो क्या? मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे कपल नहीं बन सकते, क्योंकि हम दोनों की तो पसंद ही एक नहीं है। ऐसे में हम लोग एक साथ कैसे चल सकते हैं? हाँ, बल्कि मुझे तो लगता है मेरी और आपकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। नो नो नो, अगर दो मुख्तलिफ सोच के मालिक मोहब्बत कर लें तो कोई बुराई तो नहीं, ये हिमाकत तो नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपके ये ख्यालात उस वक्त कहाँ थे जब मैंने आपको प्रपोज किया था? हाँ ये तो इसका मतलब मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ वैसे मुझे भूख लग रही है। मेन्यू प्लीज, मेन्यू। देखा आज कैसी जैलिस हो गई थी ट्वेल मैडम। इस तरह के हरबे हमेशा ही मेरे काम आते हैं। मैं उसे किनारे तक तो लेकर आ चुका हूं, बस अब उसे किनारे पर थोड़ा सा इंतजार करवाना है। क्या मैं सही कर रहा हूं? बाबा से पूछता हूं। हेलो बाबा, क्या कर रहे हैं? बाबा वो मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। वो अंगूठी याद है जिसका मैंने बताया था आपको? बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, पहले वाली अंगूठी का नगीना तो मुझे आंखों पर माइक्रोस्कोप लगाकर देखना पड़ा। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप तो मेरे प्यारे बाबा हैं। बाबा आपके बेटे की शादी तो ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया देख कर रश करे। 7,500 की तो बस वो अंगूठी है, वो ही ले लूंगा अंगूठी। और कौन सी लूं फिर? अच्छा तो आप मुझे पैसे नहीं देंगे ना? कोई मसला नहीं, ना दें। मैं यहाँ इस्तांबुल आपके मसले हल करने के लिए आया हूँ। ठीक है फिर मैं अम्मी को सब बता देता हूँ। आपके काम देखते देखते मैं थक चुका हूँ, और क्या? आप मुझे हाँ जितनी गालियां देनी है दे दें, कोई मसला नहीं। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं, ये बात हुई ना बाबा वाली, बहुत अच्छे। ठीक है आप इतने ही भेज दें। हाँ, मैं वसूल कर लूंगा। बस पैसे आते ही मेरी और ट्वेल की शादी। मजा आ जाएगा जिंदगी का। हम नीचे चलते हैं, नाश्ता करेंगे और उसके बाद कहीं बाहर घूमने चलेंगे। आज का दिन तो ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन रोज रोज तो ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर क्या करें मुराद? मालूम नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं यहां नहीं रह सकता। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। हम एक काम करते हैं, होटल में रहते हैं या फिर घर ले लेते हैं, या अम्मी के घर चल के रहते हैं हम। क्या कहते हो, सामान पैक करूं मैं? हयात, किस्मत अच्छी है कि तुम साथ हो। दादी जान कैसी तबीयत है? कैसी तबीयत होगी बेटा, कैसी होगी? अरे दादी जान आप परेशान मत हो, देखिएगा भाई जैसे ही इस मसले से निकलेंगे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सब तस्लीम करेंगे कि दुरुख ही असल सरसलमास है। औरिया टाइम देखा है, अब तक नाश्ता क्यों नहीं सर्व किया? नाश्ते के लिए कोई आया नहीं, मैं अभी लगा देती हूँ नाश्ता। औरिया
तुम इन्हें नहीं फेंकोगी, ठीक है? ठीक है सर, नहीं फेंकती। इन टुकड़ों को तुम यहीं रख दो, मैं इन्हें जोड़ लूंगा। मुराद, एक दफा घर वालों को बता दो तुम। बताए बगैर जाएंगे, वरना कोई जाने नहीं देगा हमें। भाई कहाँ चल दिए? मुराद बेटा, क्या है ये? दादी जान देखें, आप परेशान मत हों, हमें इजाजत नहीं कुछ दिन अलग रहने की। नहीं, तुम अपनी दादी जान को छोड़कर कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगी बेटा? दादी जान। दादी जान ऐसा मत करें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगे। दादी जान, मैं खुद को यहाँ अजनबी महसूस करता हूँ, जाने दीजिए, मुझे रोकिए मत। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मुराद? तुम इस घर के बेटे हो, मेरे पोते हो तुम मुराद। आप इन दोनों को रोके मत, जाने दे, अकेले रहेंगे तो एक दूसरे को संभाल लेंगे। अम्मी, मैं मुराद की भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं जाओगे। हम बस थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे हम वापस, आप फिक्र नहीं करें। नहीं, मैं मर जाऊंगी तुम लोगों के बिना, यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमें रास्ता दीजिए ताकि हम जा सकें। नहीं बेटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, याद रखना तुम ही मेरी मौत के जिम्मेदार होगे। ओके ओके, द्रुक दादी जान को संभालो मेरे साथ, हम कहीं नहीं जा रहे। ओके भाई, क्या मैं ये बैग ऊपर रखा हूँ? अगर दादी जान को कुछ हो गया तो आप मजीद परेशान हो जाएंगे। द्रुक ठीक कह रहा है। और या चले दादी जान, चले आए इस तरफ, चले जाओ ऊपर। ठीक है दादी जान, मैं कहीं नहीं जा रहा, हौसला रखिए। अरे देखे ना, ये नहीं जा रहे। तुम नहीं जाओगे ना, मैंने कह दिया। कहाँ ना दादी जान, मैं कहीं नहीं जा रहा। वादा करो मुझसे बेटा। वादा करता हूँ दादी जान, वादा करता हूँ। चले आ जाइए, आ जाइए, बैठें 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 आराम से। मैं पानी लेके आती हूँ। इस सब की जिम्मेदार आप है, मालूम है ना आपको? इस सब की जिम्मेदार मैं कैसे हुई? और इसमें मेरी क्या गलती है कि मुराद इस खानदान का खून नहीं है? गलती है तो इसमें लैला की गलती है सिर्फ। आप पर तरस आता है मुझे, अकेली रह जाएंगी आप। मुझे लगा एमरे बुरा था, लेकिन दरअसल आप थी उसके पीछे। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि किसने क्या किया है? ये राज कभी ना कभी तो बाहर आना था। मैंने तो सिर्फ सबका भला किया। कौन जाने क्यों किया था आपने वो सब, लेकिन आज से ध्यान रखिएगा, आपके हर कदम पे नजर रहेगी मेरी। देखो बहुरानी, गुस्सा मत करो और ये पानी पी लो, यही बेहतर है। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने तस्वीरें फाड़ी और फेंक दी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप मेरी यादों को तो नहीं मिटा सकते। वो जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो जिसने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, खास तौर पर उस पहली मोहब्बत की नाकामी पर, आप मेरे भाई हैं, बस मैं इतना जानता हूं। चाहे कुछ भी कर लें, आप ये मोहब्बत खत्म नहीं कर सकेंगी। दादी जान ये लीजिए। शुक्रिया। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। तुम नहीं जाओगे ना? अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या मालूम था कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक हूं मैं, तुम लोग जाओ, जाके नाश्ता करो। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्या आप आएंगे ऑफिस? नहीं यार, तुम चले जाओ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। जैसे आपकी मर्जी मेरे प्यारे भाई, आप थोड़ा रेस्ट कर लें। ठीक है। एपिक, तुम्हें पता है दिलजीत की ड्राइंग्स को भी बेशुमार अवार्ड मिल चुके हैं। मेरी बात सुनो, हम जमील भाई के हिसाब से चल तो रहे हैं, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि वो चोर है या नहीं है? हाय, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरा चाहने वाला मुझसे रूठ गया।
बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि करीम ने कैसे यकीन कर लिया उस आदमी पर। हाँ, कल करीम को कोर्ट लेके जाएंगे वो, और शायद उस पर चोरी का मुकदमा बन जाए। मेरे ऊपर कोई मुकदमा क्यों बनेगा आप पे कि यार, मेरी इसमें क्या गलती है, दिल तो मेरा टूटा है। सच बात तो यह है, मैं जरा भी अफसरदा नहीं। एक मिनट, तुम किस बारे में अफसरदा नहीं होगी, हम करीम की बात कर रहे हैं। अरे आई एम सो सॉरी, मैं करीम की बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी बात कर रही थी तुमसे। कैसी हो गर्ल्स? देखें जमील भाई, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं कि आप इस तरह लड़कियों के कमरे में आ जाएं। नॉक करके आया करें डोर। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, लड़कियों के कमरे में हमेशा ही नॉक करके आना चाहिए। सॉरी। अच्छा यहाँ देखो, कैसा लग रहा हूँ ये बताओ। बहुत ज्यादा हैंडसम। या तुम लोग तैयार हो गई हो तो चलो। हीरोइन लग रही हो हॉलीवुड की। अब कैसी तबीयत है, कुछ हुआ है क्या? अब कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, मगर मुराद कहाँ है? वो कुछ देर तन्हा रहना चाहता था, इसलिए बाहर हवा खाने के लिए चला गया है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ बेटा। क्या ये मुनासिब रहेगा अगर हम कहीं बाहर चलकर बात करें? ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताओ। क्लिनिक में? मैं समझी नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और देखो मेरा ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है, तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है, मैं यकीन करना चाहती हूँ किसी बात का, आप मेरे साथ चलें। तुम किस बात का यकीन करना चाहती हो? हम एक नया टेस्ट करवाएंगे, फैमिली का टेस्ट। तुम अपने तौर पर करवा तो चुकी हो टेस्ट। दादी जान, जब से मुराद वाली बात सबके सामने आई है, दारिया मैम का रवैया अलग लग रहा है। मुझे यकीन है कि वो एमरे से मिली हुई हैं। दारिया का एमरे से क्या लेना देना बेटा? पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब हो रहा है। और मैंने टेस्ट भी सिर्फ द्रुक और मुराद के कराए थे, जबकि आपके टेस्ट जरूरी हैं। हाँ, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो आखिर? मेरे दिमाग में कुछ आया है, कुछ मामूली सा। आप प्लीज मेरे साथ चलें ताकि मैं टेस्ट करवा सकूं। वक्त आ गया है कि हमें करीम को बचाने का पार्ट शुरू करना होगा। टुवल, क्या तुम फ्री हो? तुम थोड़ा लेट नहीं हो गए? दूसरा सर सरमास कहाँ है? मैं भी ये नहीं सोच सकती, मुझे बहुत सारा काम है अभी। फिक्र मत करो, ऐसी ही है। टुवल, मैं तुम्हें दिलजीत से मिलवाना चाहता हूँ, ये मेरी यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त है और मेरी नई असिस्टेंट। मेरे ख्याल से ये हमारी नई डिजाइनर भी बन सकती है। बाय द वे, ये टुवल है, हमारी हेड डिजाइनर। कैसी हैं आप? जाना है। क्या कुछ हुआ है? नहीं, बस चलती हूँ मैं, बाय। ये तो अजीब औरत है। फिकर मत करो, ऐसी ही है। बाय द वे, किसी को बगैर बताए तुम मुझे यहाँ पर ले आए हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरा मतलब है तुम्हारे भाई जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, शायद वो ना चाहते हो और कुछ कह भी ना पाए। कैसी बातें कर रही हो यार, मैं भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हूँ, इसलिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसा ही होगा यकीनन, आखिर को तुम सर सलमाज हो, है ना? कैसी हो चाला? गुड मॉर्निंग। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो, असिस्टेंट होगी तुम मेरी, समझ गई? एपिक, तुम एक क्लाइंट हो, मगर पुरानी क्लाइंट। हाँ, तुमने हमारी कंपनी में अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और तुम्हें मिलने वाले प्रॉफिट में तुम बहुत खुश हो। हाँ, ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरी टीम। आइए। मैंने तो औरत मांगी थी, लेकिन ये तो एक परी है। और ट्वेल मैडम, आप मेरी, कैसे कहूं, मेरी गर्लफ्रेंड का रोल करेंगी। हाँ, मेरे ख्याल से आपको कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए इसमें।
प्रॉब्लम कैसे होगी? तो फिर डन है। अरे ये क्या बात हुई, मुझे तो कोई ड्यूटी ही नहीं मिली। अरे आपको ड्यूटी की क्या जरूरत है? हाँ तुम मेरी सेकंड असिस्टेंट हो, ताकि तुम हमें ज्यादा से ज्यादा अमीर जाहिर कर सको, समझ गए तुम? ओके, मिस हयात ने भी यहीं से शुरू किया था और अब वो टॉप पे पहुंच गई। हम तुम्हारे लिए भी रास्ते खोल देंगे, जितना दिल चाहे उतना ऊपर चली जाना। हाँ असिस्टेंट, ओके। अल्लाह करे ये प्लान कामयाब हो जाए, क्योंकि जब वक्त गुजरेगा मुझे ये अहमकाना ही लगेगा। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो आप? एक बेफिक्र हो जाओ, हम हैंडल कर लेंगे। एक तो तुम हमेशा नाउम्मीदी की बातें करती रहती हो, तुमने जेल में करीम के सामने भी यही कहा था। क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकती हो? हर वक्त गलत सोचती रहती हो। अरे ड्रूक सर आ गए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जब तक तुम दोनों नहीं आए थे गुड मॉर्निंग ही थी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ सीन से निकल आए हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और ये सब मैं अकेले हैंडल पे तो नहीं कर पा रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों की मदद ले ली जाए, क्योंकि दोस्त रास्ते में अकेला नहीं छोड़कर जाते। और जमील साहब वो तो हमेशा मेरी मदद करने के लिए सबसे आगे होते हैं, समझ गए? मैं ऑफिस में जा रही हूँ दुरुग, यहाँ बहुत घुटन हो रही है। घुटन हो रही है? असली तुमने इससे बात क्यों की? देखो जरा उसे। और तुमने देखा नहीं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ थी? तुम्हें जरूरत क्या थी कुछ भी बोलने की? हाँ क्या, तो ये बिल्कुल ठीक रही है। वैसे वैसे भी अभी हमें अपने काम पर ध्यान देना है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, काम पर, सिर्फ काम पर ही ध्यान देना है। चलो काम पे लग जाते हैं। दादी जान मैंने जरूरत की चीजें ले ली हैं और टैक्सी भी आती ही होगी। तुमने ये क्यों लिया है बेटा, इसकी क्या जरूरत है? मुझे लगा ये साथ ले जाना बेहतर रहेगा। हाँ अजमी साहिबा कहाँ जा रही हैं? आप तो बीमार है ना? दादी जान को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ मैं। मैंने इसे तो मना किया था लेकिन ये बजट थी। मुझे तसल्ली नहीं हुई इसलिए सोचा कि खुद ले जाकर इनका चेकअप करवाऊं मैं। आप चलना चाहेंगी साथ? नहीं मैं नहीं जा रही। इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। चलें दादी जान। हाँ। चलते हैं। हाँ, क्यों ना हॉस्पिटल फोन कर लिया जाए एम्ब्रे की तबीयत मालूम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील साहब से मिलना है। आपने मिलने के लिए बुलाया था ना, देखिए मैं वक्त पर आ गया। बहुत अच्छा किया, वैसे भी जमील साहब वक्त के बहुत पाबंद हैं। प्रपोजल देने के बाद तो ये और स्मार्ट होता जा रहा है। कातिल कातिल औरत है ये, सुर्ख गुलाब मालूम होती है। ओहो आइए आइए, हमारे नए मेहमान, कैसे हैं आप? बैठे बैठिए। मिस एपिक इनसे मिलें, ये भी आपकी तरह हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इनके बारे में मिस टूल बताएंगी आपको। हमने इसके छोटे सरमाए से शुरू किया है। सरमाया छोटा होने से कुछ नहीं होता, हमारा मकसद है सबको अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाना ताकि सबको फायदा हासिल हो। ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो फिर आप अपनी रकम लेकर आए हैं, हम अपना काम शुरू करें। लेकिन मेरे पास तो बहुत छोटी सी रकम है। अरे अभी तो मैंने आपको समझाया है कि छोटी बड़ी रकम से कुछ नहीं होता। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, खुदा हमेशा आप लोगों को खुश रखे। बस आप सब कुछ हम पर छोड़ दें। लाओ। आप प्लीज ऐसा मत कहिए कि ये पैसे कम हैं। जल्दी गिनो। पकड़ा गया, हमारा बिछाया हुआ जाल कामयाब हो गया। चोरी खुद ने की और इल्जाम किसी और पर डाल दिया है। क्या कर रहे हैं आप लोग, ये छोड़े मुझे, मैंने क्या किया है?
तुमने जो पैसे दिए हैं वो चोरी के हैं, इसका एक एक नंबर हमारे पास है, अब तुम फंस गए, पकड़े गए, समझे? ओ चोर, कितने बड़े चोर निकले तुम। कैसी बातें कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या आप लोग? हाँ पागल है पागल, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? पैसे चुराते हो और ऊपर से उनकी इन्वेस्टमेंट भी करते हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, मुंह पर झूठ बोलता है। तुम अपनी चोरी कबूल करोगे और उस बेगुनाह को बाहर निकलवाओगे? दरअसल मैं बहुत मजबूर था, मैंने ये जो कुछ भी किया है बहुत मजबूरी में किया है मैंने। मेरे अंकल ने मुझसे वादा किया था पैसे देने का, उन्होंने मुझे नहीं दिए, मैं क्या करता? इसके अंकल ने पैसे नहीं दिए थे, कर्ज तो हम पर भी है, तो इसका मतलब क्या हम चोरी शुरू कर दें? बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है, मुझ पर भी आता है, तो मैं क्या चोरी करने लगूंगा तुम्हारी तरह? जुर्म कबूल कर लो अपना, फिर सोच लो। अभी पुलिस के पास चलो, अपने जुर्म का एतराफ करो। तुम ये क्या देख रहा है, आगे चल, इसके दिए हुए पैसे भी उठा लो, चलो। एक मिनट मिस्टर फाते, आप श्योर हैं कि लोन अप्रूव हो गया है? क्या अप्रूव्ड पेपर आपके हाथ में है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लोन हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे, ये लोन कब तक ट्रांसफर हो जाएगा? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हुई ना बात, जरूर कोई अच्छी खबर है। मुझे वो लोन मिल गया जो भाई काफी अरसे लेने की कोशिश कर रहे थे, शुक्र है ये काम आज हो गया, नहीं तो ये बात नेक्स्ट मंथ पर जाती। मैं बहुत खुश हूँ यार। ये वाकई बहुत अच्छी खबर है, मतलब डिनर पर हम इस पे बात कर सकते हैं, और मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे लिए लकी साबित हुई हूँ, है ना? हाँ हुई तो हो तुम, गुड लक चार। अरे नहीं यार, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तुम्हें मालूम है द्रुक, मेरा ख्याल है तुम खुद को अंडरएस्टिमेट करते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, मगर सच तो ये है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बेटा काम हो गया है ना, रिपोर्ट्स कब मिलेंगी हमें? असली की एक दोस्त है यहाँ, वो ले लेगी। अर्जेंट रिपोर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है मैंने, कल तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। दादी जान एक बात है, अगर मेरा शक सही निकला तो? जानती हूँ बेटा जानती हूँ, मेरा दूसरा पोता टूट कर बिखर जाएगा। आप बहुत थक गई होंगी, मैं आपको घर छोड़कर मुराद से मिलने चली जाऊंगी। क्या तुम ये बात मुराद को बताओगी? किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट्स आने तक। मैं नहीं चाहती कि मुराद को और किसी भी किस्म की परेशानी मिले। मुझे एपिक जमील भाई, मैंने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं जमील भाई, लंबी लंबी रातें और बहुत मुश्किल दिन गुजारे। करीम ठीक हो ना माय डियर? मेरे ख्याल से तुम तो सिर्फ 48 घंटे से अंदर थे, है ना? बहरहाल मैं बदल गया हूँ। क्या बदल गया हूँ, बदल गया हूँ? बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी मस्जिद में जाकर अजान देने लगोगे। चलो वरना लोग हमें भी तुम्हारा साथी समझ लेंगे। चलो प्यार लव।